हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और हम भी एकदम बढ़िया है। सबसे पहले तो थैंक यू सो 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 मच हमारी लास्ट वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। और सेकंड ऑफ ऑल मैं आपको ये बताती हूँ कि आज हम बाहर जा रहे हैं अभी शॉपिंग के लिए, थोड़ा बहुत सामान। अब घर पर जब फंक्शन आ रहा होता है तो शॉपिंग करना तो बनता है ना। और रोहिंदी है मेरे साथ। रोहिंदी हाय तो कर लो। और मैं और रोहिंदी जा रहे हैं, रजत ऑलरेडी बाहर है तो वो हमको मार्केट में ही मिलेगा। मैं आपको अपडेट तो नहीं कर पाई क्या क्या किया अभी ऑटो का शोर में, थोड़ी देर में आपको बताती हूँ हमने क्या क्या किया। दिखने वाला है दोबारा, दिखेगा दिखेगा हमारा चाओ चाओ। रजत की डेस्टिनी है जो मुझे बार बार चाओ चाओ दिखा रही है। अभी तो आया ही है हर दूसरे दिन में दादी पता कैसा हुई आ गया। एक दिन पता कैसा हुई, हम ना जा रहे थे तो सनरूफ खुला था ऊपर से ना, और एयरपोर्ट के पास गए। मैंने कहा रोहिंदी देख प्लेन जा रहा है, कहती नहीं अभी नहीं देखूंगी। टाइगर लग रहा है पूरा। और मैं बताऊँ ये कौन सा चाव चाव है, इसको बोलते हैं रशियन चाव चाव। जिनका मुंह थोड़ा सा आगे को होता है, जिनका पीछे को होता है वो चाइनीज होता है, और आगे वाला पेंट करने के लिए सही होता है बिकॉज मेंटेनेंस उतनी ईजी होती है। जिसका मुंह पीछे को होता है ना वो खाना खाते हुए मुंह गंदा कर देते हैं और उनकी आईज भी एक टाइम पे ऐसी हो जाती है ना, तो उसकी वजह से उनको क्लीन करना मुश्किल हो जाता है। ओके सब पता है मुझे। अभी तो मजा कर रही थी। चल परे मैं ना अभी जिद कर रही थी कि मैं रजत को छोड़ने जाऊंगी छाऊंगी, तो रोहिंदी कहती मज्जा यहाँ पे काम में काम करा लेंगे। और अब रोहिंदी खुद भी तैयार हो गई है जाने के लिए। मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं कि कहाँ जा रहे हैं। रजत आज वापस जा रहा है इसलिए हमने स्पेशल बैंड भी बुलाया है। देखो कितने शाही लोग हैं। नहीं हमने नहीं बुलाया, देखती हूँ क्या है, आपको भी दिखाती हूँ। वो देखो शादी हो रही है, अभी अपने नीचे जाना है ना तो वहाँ जाके दिखाती हूँ। क्या ठीक है बाय। चलो मैं भी नीचे बाय करती हूँ क्योंकि फिर तीन लोग तो इसमें आ जाएंगे। चल चल जाएंगे हम तीनों। चलो तुम भी बैठो। ओके बाय। तुम उस साइड से आओ, यहाँ लेग स्पेस कम है, यहाँ मैं बैठती हूँ। तुम उस साइड से आओ, यहाँ लेग स्पेस कम है, इसकी टांगे नहीं आएगी। उफ यार म्यूजिकल चेयर खेलते रहेंगे हम। जिस दिन तू आई थी हम कैसे ठूस ठूस के बैठे हुए थे, उस दिन भी यही प्यार दिखा रहे थे। यहाँ पे शादी हो रही थी यार, वो चली गई, मुझे लगा था दिखाऊं। वो देख शादी वाली गाड़ी, शादी वाले ना। तुझे क्या हुआ है ना? हुआ ये है, तुम ये बताओ जरा हम कब मिलेंगे? अब हम सीधे शादी में मिलेंगे। हाँ तो इसलिए मैं दूसरों की शादी देख के एक्साइटेड हो रही थी। हमारी शादी में बचे हैं दिन चार, बचे हैं गिन के हफ्ते चार। मुझे तो लपेट दिया। अच्छा उस टाइम खुद तैयार हुए रोहिणी दीदी? हाँ तो ब्लॉग बनाने का देखो ये फायदा तो है कि जब ये खुद से बोलती है ना कि हाँ हाँ मैं भी चल पड़ूंगी और फिर बाद में उलट जाती है तो फिर वो मैं ले सकती हूँ वीडियो में। लेसेस नहीं बनने वो तो खुद ही बांधने हो गए था। और बिचारी यार आपको पता है जिस दिन हमने वो प्री वेड वाला शूट किया था ना, हिट स्ट्रोक हो गया था। बिल्कुल मैं मरने वाली, मुझे चक्कर आ रहा है। पर मैंने तब तक बोली जब तक घर नहीं आई और फिर भी घर आके रेस्ट करने दिया ना, मेरे को सोने भी नहीं दिया। तुझे हमने एक्टिव रखना चाहा इसलिए हमने ऐसा एक्टिव नहीं रखा, तुमने मेरा सुसाइड करना चाहा। मैंने आपको ये सुनो तो सही, मेरे हिस्से का दुख कर यार रुको। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि हम मार्केट क्यों गए थे। एक्चुअली रजत की और मेरी थोड़ी थोड़ी सी शॉपिंग रह गई थी, हल्दी की चीजें फाइनलाइज नहीं हुई थी और ना कल शाम तक हम सोच ही रहे थे ये करे वो करे। तो रजत अलग डायरेक्शन में था, मैं अलग डायरेक्शन में थी। फिर हम दोनों ने ऐसे सोचा कि नहीं वही वाला आउटफिट करेंगे और ऐसे ऐसे करके हमने फिर मैंने अंदाजे से चीजें ली। अपना कोई दिमाग नहीं लगा, क्रेडिट अपने को खा रहे लिया मैंने इनके लिए। हाँ तो हमने ऐसी अंदाजे से चीजें ले ली, पता नहीं कैसी होगी। और छोटी मोटी जो मेरी थोड़ी बहुत एक्सेसरीज रहती थी वो भी ली हमने, तो
बहुत जल्दी में किया था क्योंकि रजत का अभी फ्लाइट है शाम को, और हमको ये था कि उससे पहले ही दिन को सारा काम भी निपटा दे क्योंकि वो सारा सामान हमको रजत के साथ भेजना होगा, तो इसलिए हमको ये सब कुछ इतनी जल्दी में करना पड़ा है। क्या हुआ? सर भी नहीं देख सकती, बोलती गंदा हो रहा है, तेरा मेकअप लग रहा है। और नहीं देखो, व्हाइट शर्ट गंदा करती है सर। देखो नहीं ना, तू नर्वस हो रही है। क्यों? क्योंकि इसको तेरे साथ रहना पड़ेगा ना। वी आर गोइंग टू गेट मैरिड। हमें साथ रहने को मिलेगा, और इसको रहा है, हमें साथ रहना पड़ेगा। स्टेटमेंट सेम है बट इमोशन अलग है। बाबू भैया, बाबू रोना नहीं है। अभी बेटा मेरा हाल ही है ना, बाद में देखते किसका हाल कैसा होगा। तू मत आइए मेरे पास, दीदी को इसके साथ रहना पड़ेगा। दीदी तो खाना भी नहीं खाने देती, बनाती भी नहीं है। कैसा रजत, क्या हो गया? इसकी तूने डायनामिक्स ही खराब कर दी है, अपनी तरह खिला खिला के आगे। ये जब और ज्यादा मतलब ज्यादा ही ठूस दो ना बैग को तो ऐसे लुढ़कता है। चलो आ जाओ साइड में आ जाओ। नैन्सी खुशी के आंसू है क्या, दुख के आंसू है? पता है ऐसे गले मिल रहे जैसे कि पता नहीं कितने सालों बाद मिलेंगे। इतने दिन परेशानी को झेल लेना कौन है परेशानी, मुश्किल होगा। रोहिंदी बोलती है रजत को, मैं तो यहाँ जैसे जूते की लेसेस बांध रही थी क्योंकि रजत ने रोहिंदी को हग नहीं किया। चलो ठीक है, चलो चलो बाय। वो लेसेस बांधने चली गई घर से, इतनी जल्दी मैं आई थी ना कि अपने शू के लेसेस भी नहीं बांधे थे। चलो ठीक है, ओके बाय बाय। मैं इस मंदिर तक छोड़ के आती हूं, कहीं वापस ना आ जाए। आईडीज वगैरह है ना रजत? इतने में मैं पता नहीं क्या क्या पूरी दुनिया खरीद लेगी। पैसों को कभी मना नहीं करना है, ठीक है? याद रखिए, आती भी लक्ष्मी जाती भी दीदी, कभी मत रोना। Hear the birds and see the sun, side by side our feet. बिल्कुल भी नहीं है, कैसे नहीं जा रहा है? दोबारा मुड़ेगा, एक मुड़ेगा, तीन इसका मन नहीं है जाने। एक चल ठीक है, चल रोजी हम चलते हैं, वरना देखता रहेगा। कॉपी हो गई है रोहिंदी। चलो हर 5 सेकंड चल ठीक है, मैं इसको बाय बोल रही हूँ। बाय बाय ठीक है, चलो चलो चलो। रजत को ना जाने का बिल्कुल मन नहीं था। एक तो रोहिंदी भी इतने टाइम बाद आए थे, तो हम सबका ग्रुप ऐसा बन गया था कि हम पूरे टाइम मौज मस्ती करते रहते थे। रोहिंदी अभी भी देख रहे हैं कि वो पीछे मुड़ के तो नहीं देख रहा है। तो हाँ, तो अभी हमने रजत को बड़ी मुश्किल से बाय किया और हम वहाँ से अब निकल ही रहे हैं, वरना वो बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है। और फिलहाल अभी हम एक बार तो एयरपोर्ट रजत को छोड़ने आए हैं, और अभी दूसरी बार आएंगे एयरपोर्ट क्योंकि मम्मी पापा भी आज ही आ रहे हैं, तो मम्मी पापा को लेने भी आएंगे फिर हम। 4 घंटे में आ रहे हैं। हाँ मतलब मम्मी पापा थोड़ी देर के बाद आएंगे, तो उसके बाद फिर से उनको लेने हम वापस आएंगे। तो अभी पीक ट्रैफिक आवर्स होते हैं मुंबई में ना, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, जैसे ही शाम हो जाए ना तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसलिए हम फटाफट घर के लिए निकलते हैं ताकि ज़्यादा ट्रैफिक में हम ना फंसे, और फिर उसके बाद वापस आएंगे। खाने में क्या बना है कृष्णा दीदी? हलवा। वाह दिल खुश हो गया कृष्णा ये देख के तो कसम से। आज बनी है आलू की सब्जी, गोभी, और ये कोई चटनी है जिसको हम WCC कहते हैं, और आपको पता होना चाहिए WCC क्या है। अगर आप हमारे व्लॉग्स पहले से देख रहे हैं तो आपको पता होगा WCC क्या है, अगर आप नहीं देख रहे तो मैं बता देती हूँ। WCC है वर्ल्ड क्लास चटनी, जो कि सेब और उससे बना देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मिंट लीव से, और हमें सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। और रेसिपी तो मुझे भी नहीं पता, मैं बस खाती हुई हूँ। जिन्हें बनाई थी पहली बार गाँव में, तब से हम लोगों को इतनी पसंद है कि बार बार बना के इसे खाते हैं।
अभी मुझे रुबदी का फोन आया था कि वो मम्मी पापा को लेने जाएंगे, तो मैंने सोचा कि मैं और रोहिंदी रहने देते हैं, क्योंकि फिर तो गाड़ी में जगह ही नहीं बचेगी, या तो वो आ पाएंगे या हम आ पाएंगे, इसलिए मैंने चेंज कर लिया है। अब घर बैठ के मम्मी पापा का इंतजार करते अब हुआ ये कि प्लान में चेंज आ गया था और रुबदी और रोहिंदी दोनों मम्मी पापा को लेने चले गए और इन्होंने मुझे बताया नहीं, मुझे नींद आ गई थी और मैं इन सबसे नाराज हो गई थी। तो अभी मम्मी मुझे समझा रहे कि छोटे बच्चे ऐसे नाराज नहीं होते। रोहिंदी एरोप्लेन देख, क्यों अभी नहीं देखना? बिल्कुल नहीं। मैं ना रोहिंदी को जब भी एरोप्लेन दिखाती कहती अभी मत दिखाओ, मुझे नहीं जाना वापस, मुझे नहीं जाना वापस। तो अभी हम ना फिलहाल सुबह सुबह आई के आए थे क्योंकि हमको कुछ सामान लेना है, बट हम आई के खुलने से पहले ही पहुँच गए। अभी 10 बज रहे हैं और ये खुलेगा 10:30 बजे। अब हम सड़कों में बेला घूमते रहेंगे और ऐसे टाइम पास करेंगे। वैसे हम आए क्यों आए क्या, आपको याद होगा हमारे फ्रेंड सौरभ भी है, वो मेरे फ्रेंड भी और रोहिंदी के फ्रेंड भी है, उनको कुछ शॉपिंग करनी थी और हमारे को थोड़ा बहुत सामान लेना था, इसलिए हम आई के आए थे। और हम ओवर पंक्चुअल जो बन रहे हैं ना आजकल, उस करके अब हमको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। पिछले आधे घंटे से मैं इस इंतजार में रुकी थी कि आई क्या खुलेगा और इन इन दोनों की फ्लॉप स्टोरी सुन रही थी मैं, और अब मुझे पता क्या पता चलता है, आधा और घंटा लगेगा। आई क्या 11 बजे खुलता है यार, और इन लोगों ने स्पेशली मेरी बहन ने तो मुझे सुबह 7 बजे उठा दिया कि ना फटाफट से तैयार हो, हम लेट हो जाएंगे ऐसा वैसा, और यहाँ आके बस मुझे वेट ही करना पड़ रहा है। तो आई क्या में एक पूरा सेक्शन है यहाँ पे खाने के लिए, मतलब इट्स काइंड ऑफ अ मेस। तो आते ही और कुछ काम रोहिंदी को सूझा नहीं है, उसको सबसे पहले ये था कि कुछ खा लेते हैं। यहाँ पे ना ये रोहिंदी ने ट्रॉली ली और इस पे ये ट्रेज ऐड करती है, अच्छा सिस्टम है प्लेट्स रखने के लिए। हाँ, और फिर आगे जाके इसकी बिलिंग एक साथ ही होगी, यहाँ से आप अपनी प्लेट भरते जाओगे आपको जो जो चीज़ चाहिए, और उसके बाद वहाँ आगे जाके इसकी बिलिंग हो जाएगी। जब बड़े साथ हो तो छोटों को बस एंजॉय करना चाहिए और किसी की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। आजकल ना घर पे सब इतने बिजी है, सबको अपने अपने काम है, और अभी रुबी दीदी और मम्मी गए हैं मम्मी के चेकअप के लिए, बिकॉज मम्मी की ना काफ़ी टाइम से तबीयत उतनी अच्छी नहीं रह रही है जितनी होनी चाहिए। चार चीज़ें लेके आई रोहिंदी, चार चीज़ें नहीं, पीने का तो ज़्यादा सामान है, सोडा या हाइड्रेटेड, दैट्स गुड। यार कॉर्नर वाला देखो जब वहां पे बैठे थे ना, ऐसा एक्सक्लूसिव सा, पैसे भी दिखा दूंगा। थैंक यू जी, खाने के लिए पैसे खाओ, जाओ ऐश करो। अरे तो कटलेरी तो लाया नहीं, ऐश करो तो ठीक है। अरे इसमें लिखा भी है, तुम भी क्या याद रखो। अभी ना हम सब ये बात कर रहे थे, जब किसी से कुछ गिर जाता है, सौरभ है ना मेरे बैग में बॉटल रखी, मैंने कहा इसको अच्छे से बंद करके रखना, बिकॉज कई बार बॉटल खुला रह जाता है कैप और पूरा बैग स्विमिंग पूल बन जाता है, इतना सारा सामान आ जाता है। तो रोहिंदी कहती अपने इंसिडेंट से याद दिला रही थी, तो इन्होंने एक बारी क्या रख दिया था, खुला नहीं खुला लान रखा था, टूट गया था। क्या टूटा था? परफ्यूम की बॉटल टूट गई थी। फिर वो मैंने पूरे मैट में रगड़ दी ताकि खुशबू फ्लोर पे गिरी थी ना वो। हाँ तो, और एक बारी बोलती इसके बैग में वो बॉटल टूट गई, कहती फिर मेरा बैग अभी तक खुशबू देता है, बहुत अच्छी खुशबू देता है, मैं मम्मी को दे दूंगा ये बैग। कनाडा जाके बोल रही परफ्यूम, ये परफ्यूम, इसको कहते हैं यू कैन टेक आउट द पहाड़ी आउट ऑफ शिमला, बट नॉट द शिमला आउट ऑफ अ पहाड़ी। वेरी गुड, रुक आज का रोजी कैसे टूटा, मैंने तो सिक्कों में भी बात करी, बर्फ में टूटा, मैं सिखाऊं। मैंने इसका मन नहीं था हमारे साथ आने के लिए, मैंने अब लेट नहीं हो रही। तो इन्होंने मुझे नई चीज दिखाई, क्या बोलते कौन सा बोर्ड है, पेग, क्या पेग, पी ई जी पेग। मैडम जी आपके मसाले खत्म हो रहे हैं।
बस पानी। यहाँ ना आई क्या, मतलब ऐसे रूम का सेटअप मिलेगा आपको, किचन का सेटअप पूरा ऐसा रेडीमेड मिलता है और ऐसे ऐसा सब कुछ होता है, वॉशरूम का मिलेगा, बेडरूम का मिलेगा, लिविंग रूम का मिलेगा, जैसा मर्जी आपको चाहिए सब मिलता है। और साथ में आपको थोड़ी बहुत बेसिक क्रॉकरी की आइटम्स, होम डेकोर, ये सब भी मिलता है। हाँ क्या दिखा रहे हो? Which book? आपको लगा सिर्फ डेकोर के लिए रखी है? यहाँ पे पहले ही बुक रखी हुई थी, वो पूरी खाली थी अंदर से और बाहर से इतना अच्छा कवर था। हाँ वेरी नाइस, आज के लिए कलर बहुत इन है। हाँ रोहिंदी सब कुछ इसी कलर का ले रही है, आधे से ज्यादा ड्रेस मेरा नहीं रोहिंदी का, आधे से ज्यादा ड्रेसेस इसी कलर की है रोहिंदी की। देखो किचन के सेटअप्स लगे हैं यहाँ पे खूब सारे पूरे आगे तक। और एक और चीज नोटिस करी सर अभी आपने, इस एप्पल में सेब भी पूरा लगा है। सेब है या चेरी है? पत्तियां नहीं निकली अभी। चलो रोहिंदी आई आपकी बारी। इसी के साथ हमारी शॉपिंग खत्म होती है, अब हम बिलिंग के लिए जा रहे हैं। ऑलमोस्ट एक बज चुका है और मैंने आपको ये नहीं बताया था हम यहाँ क्यों आए थे। हम यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि मैं और रोहिंदी के मन में था कि रुक दी अप्पू जी, चूंकि हम कुछ गिफ्ट्स लेना चाहते थे, क्या ले बहुत सोचा नहीं समझ में आया। फिर हमको लगा होम डेकोर की चीज़ें लेंगे तो आएगा सुन, दोनों को ही अच्छा लगेगा और दोनों के लिए गिफ्ट हो जाएंगे। तो वैसे तो हमने बहुत कुछ लिया है बट एक मेन चीज़ मैंने प्लांट लिया है क्योंकि रुक दी अप्पू जी दोनों को प्लांट्स बहुत पसंद है। रुक दी को तो इतने ज़्यादा पसंद है कि उनके आधे से ज़्यादा घर में प्लांट्स ही प्लांट्स दिखेगा आपको। हम सुबह के आए थे और अभी 1:30 बज गया है और ये झोलियाँ और ये लेके अभी हम निकल रहे हैं। मम्मी और रुक्ति को मिलेंगे और मम्मी के रिपोर्ट्स भी सब बढ़िया है और अब खाना खाएंगे। मुझे इतनी जोर की भूख लग रही है। चलो लिफ्ट में खुल गई, बात करते करते ये भी अच्छा हो गया, बस अब कैब भी आ जाए। हाँ आज काफ़ी कुछ करने के बाद हम घर पहुँच चुके हैं और मैं अपना फूल का गमला जो कि मैं और रोहिंदी अपू जी को गिफ्ट करेंगे और थोड़ा बहुत सामान जो हमने खरीदा वो सब भी देंगे। और आपको क्या गिफ्ट करने आए? मम्मी को गिफ्ट इतना बड़ा ये जो कनाडा से लाया है ये गिफ्ट करेंगे। सो अब हम घर जाते हैं और आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बाय।